seeing in 2 Timothy chapter 3 और दूसरी तिमोथी उसके तीसरे अध्याय में हम देख रहे थे that we are living in the last days कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं the last days perilous times will come और अंतिम दिनों में बहुत ही कठिन समय आने वाला है और difficult times are come या कठिन समय मुश्किल की घड़ी आने वाली है all of us believers difficult times are going to come और सारे विश्वासियों के लिए भी मुश्किल की घड़ी आने वाली है things are not going to become better हमारे लिए कोई भी बात बेहतर नहीं होने वाली the world is going from bad to worse और ये सारा जो संसार बुराई से और बदतर बन रहा है and believers in the church also become going from bad to worse लेकिन कलीसिया के विश्वासी बुरे से लेकर और बदतर बनते जा रहे हैं और इसीलिए प्रेरित पौलुस तिमोथी को इस खत में लिखता है The Bible is not to be read by unbelievers. और ये जो बाइबल है पवित्र शास्त्र है अविश्वासियों के लिए नहीं है The Bible is meant for all of us. लेकिन ये जो पवित्र शास्त्र है हम सभी लोगों के लिए है That we also will not copy the ways of the world. ताकि हम भी इस संसार के सदृश में हम भी लपट न जाएं In 2 Timothy it says that men will be the last days will be there are three types of lovers it says verse 2, 3, 4 दूसरा तिमोथी उसका तीसरा अध्याय 2, 3 और 4 वचन में There'll be lovers of self और वहाँ पर मनुष्य स्वार्थी होंगे What has been a lovers of self और स्वार्थी मनुष्य के बारे में मतलब क्या Very self-centered मतलब स्वकेंद्रित People in this world are always self-centered इस संसार के सारे लोग स्वकेंद्रित होते हैं And believers can be very self-centered और इसी तरह से विश्वासी भी स्वकेंद्रित हो सकते हैं Only thinking about ourselves हमेशा खुद के बारे में सोचते रहते हैं Me, myself, my family, my job, everything about me only और मैं खुद मेरा परिवार मेरी नौकरी सारी बातें मेरे बारे में मैं सोचते रहता हूँ And if we are going to the ministry और यदि हम सेविकाई में जाते हैं My ministry मेरी सेविकाई What I can get? उसमें से मुझे क्या मिल सकता है? What benefit I will get? इसमें से मुझे क्या लाभ मिल सकता है? Very self-centered. बहुत ही स्वकेंद्रित. Why is self lovers of self so bad? और ये स्वकेंद्रित या खुद को प्रेम करना ये इतना गलत क्यों है? Because the opposite of the spirit of Christ. क्योंकि ये मसीह के उस आत्मा का बिल्कुल विपरीत है. He never lived for himself. वो कभी भी अपने खुद के लिए नहीं जिया. He lived for the glory of God. वो परमेश्वर की महिमा के लिए उसने जीवन बिताया. That's why he said. The cure for love of self is to take up your cross daily. और इसीलिए उसने कहा कि ये साबित होता है जब तुम अपने क्रूस को अपने उठा लेते हो तभी तुम परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हो। Lord, I don't want to do my will. I want to do what your will is. हे प्रभु, मैं अपनी खुद की मर्जी नहीं करना चाहता, लेकिन तेरी जो मर्जी है उसी को मैं पूरा करना चाहता हूँ। To do our will gives us lot of pleasure. हमारी खुद की मर्जी करने के लिए हमें बहुत मजा आता है। For example, if you are somebody at home, you like to order around and everybody should dance according to your tune. और हमको अच्छा लगता है हर एक किसी व्यक्ति को आदेश देते रहना ऐसा करो वैसा करो सभी लोग हमारे इशारों में नाचना अपने हमको अच्छा लगता है। We like to be the boss. हमको मालिक बनना अच्छा लगता है। One of my neighbors who was a lawyer when we were young, he always wrote a board and said, "I am the boss of this house." और मेरा जो पड़ोसी जब हम बचपन में थे, उसने अपने घर के दरवाजे में ऐसे पट्टी में लिखा था कि इस घर का मालिक मैं हूँ। Everybody should listen to me. और सभी लोगों को मेरा कहा मानना होगा। It is a lot of pleasure. बहुत आनंद आता है That has become like God. और इसका मतलब खुद को परमेश्वर मानना That is spirit of the devil himself. और ये तो शैतान का खुद का आत्मा है Why did the devil become? और शैतान क्यों बना Because he wanted to be like God. क्योंकि वो परमेश्वर के समान बनना चाहता Here, था everybody should listen to me. ताकि हरेक जो है उसकी सुने You may be a wife. आप एक पत्नी होंगी Everybody should listen to me. और सभी लोग मेरी बातें सुनना है Children should listen to me. Husband should listen to me. मेरे बच्चे मेरी बातों को मानना है मेरे पति भी मेरे बातों को मानना है Oh, then I'm very happy. ऐसा होने से मैं बहुत खुश हूँ And people don't listen to me. और जब लोग मेरी बातें नहीं मानते then I'm very angry. तो मुझे बहुत गुस्सा आता है So that's how we know that you're a lover of self. और इसी से हम जानते हैं कि तुम खुद से कितना प्यार करते हो We get hurt and irritated. तुमको बहुत जल्दी से दुख होता है बुरा लगता है और चिड़चिड़ाहट होती है The Holy Spirit will tell you now you're a lover of self. और पवित्र आत्मा तुमको चिता आएगा कि देखो तुम अब कितनी स्वकेंद्रित हो Your ego is hurt. तुम्हारा जो अहंकार है तुम्हें ठेस पहुंचा है It's a good thing that ego is hurt. और ये अच्छी बात है कि तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंचा है That's how you discover how selfish you are. और इसी तरह से हम जान पहचान सकते हैं कि कितना हमें स्वार्थ छिपा हुआ है Then you can go to God, Lord, I'm such a selfish person. Please help me. To humble myself. और फिर ऐसे में हम परमेश्वर के पास जा सकते कि हे प्रभु मैं कितना एक स्वार्थी व्यक्ति हूँ कृपा करके मेरी मदद कर One of the greatest revelations that we all require is that we are not God. और सभी लोगों को एक महान प्रकाश मिलना जरूरी है वो ये जानना जरूरी है कि हम सब परमेश्वर नहीं हैं I don't have the right opinion. मेरा जो राय है वो सही नहीं Lord, है I know very little.
हे प्रभु मैं बहुत कम जानता हूँ। अपने आप को हम नम्र कर लें। Then we will not be selfish. और तब हम स्वार्थी नहीं होंगे। We will not be a lover of self. हम खुद से प्रेम करने वाले लोग नहीं होंगे। With God's will can be done. परमेश्वर का मर्जी ऐसे में पूरा हो सकता है। We'll come to rest in our lives. और हमारे जीवन में उस शांति को हम पा लेंगे। The next type of lover is a lover of money. और दूसरे तरह के जो प्रेम करने वाले लोग हैं, वो है जो पैसों के लोग, पैसों के पीछे भागते हैं। We heard about it such a lot. और इतना हमने इसके बारे में अभी सुना है। We love money very much. हमको पैसों से बहुत प्रेम है। In different situations and problems in life, we'll discover how much we love money. और हमारे जीवन के कितने सारे कठिनाइयों के बीच में हमको समझ आता है कि हम में पैसों का प्रेम कितना छिपा हुआ है। We have forsaken the world and things of this world, and we have come to follow Jesus. और हमने संसार को, संसार की चीजों को त्याग कर यीशु मसीह के पीछे हो लेने के लिए आए हैं। But in the different situations of life, at home, in work, in different places, we see how much we love these earthly things. लेकिन जीवन के कितने सारे अलग-अलग परिस्थितियों में, हमारे घरों में, दफ्तर में, हमें समझ आता है कि छोटी-छोटी बातों के पीछे हमारा मन अभी भी लगा हुआ है। Love of money is like the peel of an onion. You know, just peel one. We think we have peeled one. There are more and more layers and layers. और एक पैसों के प्रेम का तुलना जो है कांदे का जो लेयर है, प्याज का लेयर है, उससे तुलना कर सकते हैं। उसका छिलका एक-एक करके हम निकालते रहेंगे और छिलका बार-बार लगातार आते रहता है। And God shows us in different situations that we say, Yes, Lord, I love this so much. Lord, I want to love you more than my love money. और जब-जब परमेश्वर हमें हालातों के जरिए से हमें सिखाता है, समझाता है कि कितना हमें पैसों का प्रेम भरा हुआ है, तो हमें मान लेना है और कहना है, हाँ प्रभु मुझ में पैसों का प्रेम है, तू मुझे मदद कर इसे निकाल दे। It's about love of money and material things. और ये सारे संसार की चीजों के पीछे और संसार में जो पैसा है, दौलत के पीछे का लगाव है। And then if I love money and material things, what is the result? और यदि मैं दौलत के पीछे, दौलत से और संसार की चीजों से प्रेम करता हूँ, तो इसका परिणाम क्या है? Jesus said, you cannot love two masters. तब यीशु ने कहा कि तुम दो मालिकों को प्रेम नहीं कर सकते। We try to do the balancing act. हम जो है सारी चीजों को संतुलित करना चाहते हैं। But the casualty is always God. लेकिन हमेशा जो है दूसरा स्थान परमेश्वर को हम दे देते हैं। We run after earthly things and material things, and we know suddenly our love for God is cooled out. और जब हम संसार की चीजों के पीछे, दौलत के पीछे जब हम हमको समझ आता है कि कैसे परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में ठंडा पड़ गया है। और जो प्रार्थना करने का समय है, बाइबल पढ़ना जो है और परमेश्वर के साथ जो संगति है, सब कुछ जो है छूट जाता है। फिर हमको ऐसा प्रश्न होता है कि मेरा हृदय, मेरा दिल इतना ठंडा क्यों है? और पवित्र आत्मा तुम्हें वहां पर चिताएगा। Just leave all these things away. ये सारी चीजों को तुम छोड़ दो। The cure for the love of money is that you be content with whatever God has given you. और यदि तुमको पैसों के प्रेम से छूटना है, तो परमेश्वर ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है, उसमें तुम्हें संतुष्ट रहना है। If you have little, be content. If you have lot of amount, be content with that. और यदि हमें थोड़ा सा दिया गया है, उसमें हमको तृप्त रहना है। बहुत सा दिया है, तो जो दिया है, उसमें हमें तृप्त रहना है। Keep God first in your life. जीवन, अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दो। There are only two gods in this world. और इस संसार में केवल दो तरह के परमेश्वर हैं। Lot of gods are all around us. और हमारे आसपास में कितने सारे देवताओं को हम देखते हैं। But ultimately there are only two gods. लेकिन आखिर में सिर्फ दो तरह के परमेश्वर तो है। One is the true and living God. एक तो जिंदा सच्चा परमेश्वर है। And another God is God of money. और दूसरा जो परमेश्वर, वो पैसा का लोभ। Money has tremendous power. और पैसों में बहुत अधिक, अत्यंत सामर्थ है। And this God said, Thou shalt have no other gods before me. और लेकिन परमेश्वर ने ये कहा कि मुझे छोड़, तुम्हारे सामने कोई और परमेश्वर नहीं होगा। God hates idolatry. परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। I want to keep you first in my life. और हम कहें कि हे प्रभु, मैं तुझे मेरे जीवन में पहला स्थान देना चाहता हूँ। God said, I have given you food, clothing, shelter. Be content with that. और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें खाने के लिए भोजन, कपड़े और रहने के लिए जगह दिया है, उसी में तुम तृप्त रह जाओ। Don't run after that, long for it. और उसके पीछे तुम भागो नहीं, उसके लिए अपना मन लगा कर रखो। If riches increase, don't set your heart on it. और तुम्हारा यदि धन दौलत जो बढ़ता है, तो उसमें अपना मन मत लगाओ। Set your heart, life in fellowship with the Lord. और तुम्हारा जो दिल है, हृदय परमेश्वर पर और परमेश्वर की उस संगति के ऊपर लगाए रखो। Jesus said, "What shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul?" और यीशु ने कहा कि क्या लाभ है यदि एक व्यक्ति ने सारे संसार को जीत लिया, लेकिन आखिर में अपने प्राण को खो दिया, तो इसमें क्या लाभ है? You may have the best houses, so many houses, so many cars, everything. What is it? But your soul is so dry and so weak. और यदि तुम्हारे पास कितने सारे घर हो या कितने सारे गाड़ियाँ हो, ये सारे चीजें तुम्हारे पास होंगे, लेकिन इसका क्या लाभ यदि तुम्हारा जो आत्मा है, वो बहुत ही कमजोर है? And the Holy Spirit is speaking to you and me. और पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। Testament, the children of Israel came from the land of Egypt to they were going to the promised land. और पुराने नियम में जिस तरह से हम देखते हैं कि इजरायली के बच्चे जो है, वो मिस्र देश से निकलकर उस वायदे के देश की ओर वो बढ़ रहे थे। And God was with them in the cloud.
cloud of fire in the night and a cloud was there in the daytime and protecting them, helping them and everything. और सारे बातों में परमेश्वर उनके साथ उनको संभालता हुआ रात के समय में आग के उस खंबे से दिन के समय में उस बादल के खंबे से उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता हुआ उनके साथ साथ वो चलते गया. God gave them food. परमेश्वर ने उनको खाने को भोजन दिया. God supplied all their needs. उनकी सारी जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया. But very unhappy. लेकिन फिर भी वो नाखुश थे. Why? Because in Egypt they said we had fish, we had garlic, we had leeks, we had onions. Here there is no variety at all. क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हम मिस्र देश में थे वहाँ पर हमारे सामने मछलियाँ रखती थी, हमारे सामने प्याज थे, हर प्रकार की वैरायटीज थे, बहुत सारे भिन्न प्रकार के भोजन थे. Daily we have to eat manna in the morning, manna in the afternoon, manna in the night. लेकिन यहाँ पर एक ही तरह का खाना मिलता है हमको, मन्ना सुबह शाम रात को मन्ना ही खाना पड़ता है, इससे हम बहुत ऊब गए हैं. I wonder what we would have done in that place. मैं कई बार सोचता हूँ कि यदि उस जगह पे उस स्थिति में हम होते तो हम क्या करते. Manna in the morning, manna in the afternoon, manna in the night. और रात को मन्ना, सुबह में मन्ना, दिन में मन्ना और रात को भी खाने के लिए मन्ना. But the protection of God was there with them. लेकिन परमेश्वर का जो देखरेख था वो वहाँ पर मौजूद था. They see a living miracle, fire in the night, cloud in the night, chappals never worn out. They're not getting clothes are not getting worn out. The wonderful presence of God was with there. और जीवित एक चमत्कार उनके सामने हो रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति उनके आसपास में थी, जहाँ पर उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, उनके चप्पल ना फटे और पूरी तरह से परमेश्वर उनको संभाल रहा था. They grumbled and grumbled against God and Moses and this. Said, "No, we want, we want, we want." लेकिन फिर भी उस परिस्थिति में भी वो कुड़कुड़ाते रहे, शिकायत करते रहे परमेश्वर के विरोध में, मूसा के विरोध में, और यही कहते रहे, नहीं हमें अभी वो चाहिए, अभी वो चाहिए, वो चाहिए. God said, "Okay, take what you want." लेकिन परमेश्वर कहा, ठीक है, तुम चाहते हो तो तुम ले लो. So God gave them. इसलिए परमेश्वर ने दे दिया. What happened? फिर क्या हुआ? He gave them. The Bible says he gave them their request, but sent leanness to their souls. और पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो कुछ उन्होंने मांगा परमेश्वर ने जरूर दे दिया, लेकिन उनकी आत्मा में जो है वो कमजोर हो गए. They got what they wanted, but something in their heart, that desire for God went away. और वो जो कुछ भी चाहते थे शारीरिक रीति से सब कुछ उनको मिल गया, लेकिन उनके दिल में परमेश्वर के लिए जो चाह है वो ठंडा पड़ गया. What a tragedy it is. ये कितना दुखदायी बात है. A person who was born again, baptized in the Holy Spirit, the desire for God and the lean comes to that person's life. और ऐसा एक व्यक्ति जो उसका नया जन्म हो चुका है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया है, और ऐसे में भी फिर भी उसके आत्मा में कमजोरी आ जाती है. Jesus said in the last days, the love of many will grow cold. और पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है यीशु ने कि अंतिम दिनों में बहुतोरों का जो है प्रेम वो ठंडा हो जाएगा. So many believers of the love have gone cold. और कितने सारे विश्वासियों में परमेश्वर का प्रेम ठंडा पड़ गया है. More interested in earthly things. अभी वो सारे शारीरिक चीजों में, सांसारिक चीजों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं. We can come and sit in the meeting. वो मीटिंग्स में आकर बैठते तो हैं. We can sing. वो गीत गाते हैं. Sing Sunday school. और संडे क्लास में गाते हैं. Do ministry. और सारी सेवकाई करते हैं. We can all do it, but the love for God, the sincere devotion to God is gone. और सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन मन में जो जो सच्चा जो प्रेम है, सच्चा भक्ति है, वो चला गया है. Do you think God is interested in people who do ministry? क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर जो सेवकाई करते हैं उन्हीं से उन पर दिलचस्पी रखते हैं? What is the meaning of ministry? और सेवकाई का मतलब क्या है? Anybody knows? क्या कोई जानता है? Minister. जो सेवकाई करता है. Very high sounding name. बहुत ही उच्च पद रखने वाला एक नाम जैसा सुनाई पड़ता है. Minister means servant. और एक सेवकाई करने वाला व्यक्ति, सेवक माने जो दास का सेवकाई करता है. Prime minister. जैसे एक प्राइम मिनिस्टर होता है. The chief, the topmost servant. और वो एक प्रधानमंत्री है, इसका मतलब सबसे उच्च पद में एक दास का काम करने वाला व्यक्ति. Now Christian circle we say I'm gone into the ministry. और जैसे हमारे मसीह क्षेत्र में हम कहते हैं कि मैं सेविकाई में चला गया हूँ. We say I'm gone to servant. हमको ये कहना है कि मैं एक दास बन गया हूँ. I think that ministry means something very great. उनको लगता है सेविकाई मतलब बहुत ही उच्च पद में कुछ करने वाली बात है. You have to be the servant to all but believers. लेकिन सारे विश्वासियों के लिए तुम्हें एक दास या नौकर होकर रहना है. I think so. Ministry means you could be a boss. लेकिन कई लोगों के लिए सेविकाई मतलब उनको बॉस अच्छा लगता है या मालिक कहलाने को अच्छा लगता है. Jesus, when the last day Jesus said, people will come and said, Lord, I did this for you, I did that for you, I prophesied, I did so many things for you, Lord. The Lord said, I don't know you. और यीशु ने कहा कि अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग यीशु के पास आकर कहेंगे कि हे प्रभु, तेरे नाम ने हमने ये किया, वो किया, कितने सारे चमत्कार किए, भविष्यवाणी दिया, लेकिन यीशु उनको देखकर कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता. Did you love me? क्या तुम मुझसे प्रेम किए?
they told all these things, but Jesus didn't say thank you to them for doing the ministry. और उन्होंने ये सारे चीज उन्होंने जो यीशु मसीह के नाम से किया था वो बताया तो था, लेकिन यीशु ने उन्हें कभी धन्यवाद नहीं किया. Are we living in fellowship with the Lord? क्या हम परमेश्वर की संगति में जी रहे हैं? Is Jesus my lover? क्या यीशु मेरा प्रेमी है? Jesus should be my lover. यीशु मेरे प्रेमी होने चाहिए. And the ministry will follow immediately. और ऐसे में जो भी सेविकाई वो अपने आप हमारे पीछे पीछे आ जाता है. First thing that do I have a personal relationship with God and then fellowship with the Lord? और सबसे पहले ये जरूरी है समझ लेना कि क्या हमारा जो परमेश्वर के साथ का जो संगति है वो रिश्ता है, क्या वो सही है क्या? Keep that. ये इसको तुम बनाए रखो. That is basic. और ये सबसे बुनियादी बात है. That basic is gone. And all is gone. यदि वो बुनियादी बात छूट जाता है तो सब कुछ छूट जाता है. The most believers just goes away after a period of time. और इतनी यही बात जो है अधिकतर विश्वासियों में थोड़े समय के बाद छूट जाता है. The Lord is not dear to them. परमेश्वर अभी उनको प्रिय नहीं लगते. Because the love of the self, love of money. लेकिन खुद का जो प्रेम है, पैसों का जो प्रेम है. And we heard the last, the lovers of pleasure. और हमने देखा कि कैसे आनंद और मौज मस्ती का जो मजा है. Every day we have the option of having pleasure. और रोज हमको मजा ऐशो आराम में जीने के लिए अच्छा लगता है. It's good to have pleasure. और ये अच्छा है आनंद उठाना. The Bible says in 2 Corinthians, lovers of pleasure more than the lovers of God. लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर को प्रसन्न रहने से बढ़कर अपने मौज मस्ती में प्रसन्न लेते हैं, मजा लेते हैं. What are the pleasures that we can all indulge? और इस किस तरह की जो खुशी और आनंद है जिसमें हम लूट सकते हैं? They are all legitimate. और ये सारी अच्छी बातें हैं. But if they get out of hand, then it goes when it should not be more than they love God. लेकिन ये जब सीमा से बाहर चला जाता है और परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर जब ये सारे पहला स्थान लेता है तो वहाँ पे कोई गड़बड़ है. One is food. सबसे पहला खाना. Have you heard? We can love food so much. हमने सुना है हमको खाने से कितना लगाव है. We can spend hours eating food. हम घंटे लगा दे सकते हैं खाना खाते वक्त. And then we find that suddenly our love becomes cold. और फिर हम देखते हैं कि कैसे हमारा प्रेम जो है वो ठंडा पड़ जाता है. Lovers of sleep. और नींद हमको अच्छा लगता है. We don't want to get up. हमको सोने से उजाग उठने को अच्छा नहीं लगता. If it's cold, I cannot get up to pray. और ये यदि ठंडा है तो मैं प्रार्थना करने के लिए भी उठ नहीं सकता. Brothers and sisters, we say, Lord, I want to love you more than love by my sleep. और भाई और बहनों हमें ये कहना है कि हे प्रभु मेरे नींद से बढ़कर मैं तुझसे प्रेम करना चाहता हूँ. We were hearing the three examples of a soldier, of a farmer and an athlete. और हमने उन तीन उदाहरण के व्यक्तियों के बारे में सुना जो एक सोल्जर है, एक खिलाड़ी है और एक किसान है. They are not soft people. और ये बहुत ही सॉफ्ट पीपल नहीं, लोग नहीं हैं. They are rugged people. वो बहुत नरम लोग नहीं है लेकिन सख्त लोग हैं. The Lord wants us to be rugged. और परमेश्वर भी चाहता है कि हम भी सख्त हो जाएं. Pleasure, sexual pleasure. और सारे जो अभिलाषाएं, खुशी, मौज मस्ती. Why is there so much immorality? और इतना सारा व्यभिचार क्यों फैला हुआ है? So much immorality among believers also. और विश्वासियों के बीचों बीच भी कितना सारा व्यभिचार फैला हुआ है? Among born again believers. और नया जन पाए हुए विश्वासियों के बीच में. The mind is so excited by these things. क्योंकि हमारा मन जो है लगातार इन चीजों के बारे में सोचता है, उसके पीछे जाता है. लेकिन शादी के उस विवाह के बंधन के अंदर में ये बातें ठीक है एक सीमा तक, लेकिन उसके बाहर जो है ये पाप है. Why did Sodom and Gomorrah become so wicked? लेकिन सोदम और गोमोरा इतना दुष्ट क्यों बन गया? Because they had plenty of good food. क्योंकि उनके पास खाना खाने के लिए बहुतायत का भोजन था. Plenty of relaxation. और बहुत सारा आरामदायी बातें थी. And they went to all sorts of perversion. और हर तरह के व्यभिचार कामवासना में वो गिर गए. And the last days are days of Noah. और आखिरी दिनों में नूह के समान के दिन होने वाले हैं. The days of Lot like Sodom and Gomorrah. और लोट के दिन जैसे सोदम और गोमोरा में था. So much of good food. कितना सारा खाने के लिए अलग अलग के भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन है. एंटरटेनमेंट. कितना सारा मनोरंजन है. Last days of lot of entertainment. और अंतिम दिनों में कितना सारा बहुतायत का मनोरंजन है. We can have all the entertainment on my hand. और सारा ये जो मनोरंजन मेरे हाथ में मुझे मिल सकता है. We can spend such a long time on YouTube and WhatsApp and all these things. People spend hours and hours. और कितना सारा हमारा समय हम YouTube में, WhatsApp में घंटों तले हम उसके पीछे लगे रहते हैं. And put the earplugs on and shake their heads and walk around. और जब उस earplug को कान में लगाकर चलते हुए भी हमारे सिरों को हिलाकर हम आगे चलते हैं. Music. ये धुन है, म्यूजिक है. Oh, very happy. Oh, कितना अच्छा लगता है. Is that if you have that? Don't have God should be our entertainment. और यदि इस तरह का जीवन है तो हमारे पास परमेश्वर नहीं है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर प्रथम स्थान में होना चाहिए. Psalm said that
I delight yourself in the Lord. और जैसे भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि मैं परमेश्वर में मग्न रहता हूँ. Yes, we should have a music in our hearts. हमारे दिलों में वो गीत गुनगुनाना होना चाहिए. One of the most important things, you know, regarding worship is that we should have the worship in our hearts. और आराधना करने के बारे में सबसे मुख्य बात ये है कि ये आराधना का जो गीत है वो हमारे दिल में गूंजना चाहिए. If you don't have any music in a church, there's no problem. और यदि तुम्हारे कलीसिया में कोई गीत की सेवा नहीं है तो कोई समस्या नहीं. But your heart should be tuned to the Lord. लेकिन तुम्हारा जो दिल है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होना That चाहिए. is the best worship. और यही सबसे उत्तम आराधना है. We can sing and make melody in our heart unto the Lord. और हमारे दिलों में धुन गाते हुए परमेश्वर के लिए हम गीत को गुनगुना सकते हैं. And the cure for all lovers of pleasure. और सारे जो मनोरंजन उठाने वाले लोग हैं उनके लिए ये एक रेमेडी है कि हमें सारे दुख को सहते रहना है. We see that verse in 2 Timothy chapter 2. और दूसरे तिमोथी उसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं verse 3. और उसमें वचन 3. Suffer hardship with me as a good soldier of Christ Jesus. और मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठाओ. You and I are soldiers for Jesus. और आप और मैं यीशु मसीह के लिए योद्धा हैं. We have to suffer hardship. हमें दुख को उठाना है. A soldier gets a lot of hardship. और एक योद्धा को बहुत सारे परिश्रम दुख उठाना पड़ता है. उसको प्रशिक्षण में आना पड़ता है. The apostle Paul gave himself as an example. और प्रेरित पौलुस ने अपने खुद को एक उदाहरण के रूप में बताया. In verse 9 it says, for which I suffer hardship even to imprisonment as a criminal. और नौवे वचन में ऐसा लिखा है कि जिसके लिए मैं कुकर्मी की नाई दुख उठाता हूँ यहाँ तक कि कैद भी हूँ. We have to get used to hardship. और हमें दुख उठाने के लिए हमें एक जीवन शैली बनाना है. We as current Christians in this modern time, we are very soft Christians. और एक आधुनिक समय में अभी जिस तरह के मसीह लोग हम कहलाते हैं, हम बहुत ही आरामदायी लोग, धीरे, बहुत ही नर्म मसीह हैं. That's why the quality of Christians in the last days are very, 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 very low. और इसीलिए हम देखते हैं कि जो उत्तम से उत्तम मसीह लोगों की जो गिनती है वो बहुत कम है. We have to learn to endure. हमें सहने के लिए सीखना है. Verse 10 says, for this reason I endure all things for the sake of those who are chosen. और आगे 10वें वचन में ऐसा लिखा कि इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं. So we have to learn, even if we have to do a ministry, we have to learn to, it comes through endurance. और इसीलिए जब कभी हमें कोई भी सेवकाई करना होता है तो जरूरी है कि हमें सहने की आदत डालनी होगी. Verse 12 says, if you endure with him, you will also reign with him. और फिर आगे 12वें वचन में ऐसा लिखा कि यदि तुम धीरज से सहते हो तो उसके साथ राज भी करोगे. These are the people who love the Lord. और हम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं. The Lord says, how many of people of you are willing to endure for me? और परमेश्वर ये पूछता है कि आप में से कितने लोग हो जो तुम मेरे खातिर दुख उठाना चाहते हो या सहना चाहते हो? God gives us lot of troubles and trials every day. और परमेश्वर हम प्रत्येक दिन हमारे जीवन में अन्य तरह के जो है, भिन्न तरह के जो है परेशानियां भेजता है. Lord, I thank you for all these problems in my life. तो हमें कहना है कि हे प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतने सारे परेशानियों को तूने मेरे जीवन में अनुमति दिया है. God, please change my nature. और हे प्रभु, तू मेरे स्वभाव को पहले बदल दे. Through this situation, please change my nature. इस हालात के जरिए से मेरे स्वभाव को कृपा करके बदल दे. और फिर हम जैसे ही उस दुख को उठाते हैं और सहते रहते हैं, हम देखते हैं कि कैसे धीरे धीरे करके हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारा चरित्र बदल जाता है. We get the character of Jesus. फिर हमें यीशु मसीह का स्वभाव मिल जाता है. And we notice that this love of money and this love of selfishness all becomes less and less in our own life. और फिर हम देखते हैं कि कैसे पैसे का जो प्रेम है, स्वकेंद्रित जीवन है, स्वार्थ का जीवन धीरे धीरे करके हमारी जीवन में कम होने लगता है. And all the desire to get good things of this world, the movies and all the entertainment becomes less and less. और फिर सारी जो इच्छा है कि संसार की सारी चीजों को पाने के लिए, सारे पिक्चर देखने की आदतों के लिए, ये सारी जो इच्छा कम और कम होती जाती है. Now you have come to the Lord. अभी आप प्रभु में आ चुके हो. Why don't you have a desire to go and see the movies now? लेकिन अभी तुम्हें पिक्चर जाकर देखने के लिए मन क्यों नहीं लगता? Before that we could not do with it. उसके पहले तो पिक्चर बिना देखे हम रह नहीं सकते. Sometimes even fasting. कई बार उपवास is a great trial for us. और ये उपवास करना तो बड़ी परेशानी है. Now we say, Lord, I thank you, Lord, I can spend some time in prayer with you. लेकिन अभी हम कहते हैं कि धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि मैं अब थोड़ा तुम्हारे साथ एक समय बिता सकता हूँ. Lord, to read your word. कि तेरे वचन को पढ़ सकूँ. It really is such a bore. पहले तो हम उब जाते थे. Now we'll become like the psalmist said, now Lord, I desire it more than my necessary food. और लेकिन जैसे भजन संगीत लिखने वाला कहता है कि अभी मेरे खाने पीने से अधिक तेरे वचन को पढ़ने के लिए मेरे दिल में एक चाह है. God will give you a delight. परमेश्वर उस चाह को तुम्हें देगा. As the brother said, you'll learn to say no to other things. जैसे भाई ने अभी बताया कि हम इन सारी चीजों को ना कहने के लिए एक आदत बनाएं.
We sing that song, "Have courage, my boy, to say no." हम उस गीत को गाते हैं कि तुम धाड़स बांधो बच्चे ना कहने के लिए. No to your friends, no to your relatives, no to your desires of the flesh. और तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, तुम्हारी शारीरिक अभिलाषाओं को तुम ना कहने के लिए आदत डालो. Then you'll be a lover of God. और ऐसे में तुम परमेश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति बन जाओगे. There are very few lovers of God. परमेश्वर से प्रेम करने वाले बहुत कम लोग हैं. And God is Jesus is looking for His bride. और यीशु अपनी दुल्हन की ओर वो देख रहा है. That we should love Jesus with all of our hearts. और पूरे दिल से, हमारे पूरे दिल से हमें यीशु से प्रेम करना है. Because he died for you, for your sin and my sin. क्योंकि वो तुम्हारे पाप के लिए और मेरे पाप के लिए वो मर गया. Otherwise we are all gone to hell. नहीं तो हम सारे नरक की ओर जा रहे थे. He's got such a plan for our future. He's got plan for our welfare, not for our calamity. और परमेश्वर ने हमारे भविष्य को रखकर ऐसा उत्तम योजना बनाया है जिसे हमें कोई हानि नहीं लेकिन हमारे हित के लिए उसने बनाया है. God desires the very best for you and me, brothers and sisters. और आपके लिए और मेरे लिए, भाइयों बहनों, परमेश्वर के लिए सबसे सर्वोत्तम योजना परमेश्वर ने बनाया है. Let us be lovers of God. और परमेश्वर के से प्रेम करने वाले लोग हम बने. और यदि हमारा प्रेम ठंडा पड़ गया तो हम परमेश्वर से मांगे कि हे प्रभु, वैसा एक प्रेम से तू मुझे भर दे. And how does God fill us with the love? और परमेश्वर उस प्रेम से हमें कैसे भर देता है? When he fills us the Holy Spirit. जब वो अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर देता है. Romans says, when the love, the Holy Spirit is given to you, the love of God is poured out into your heart. और जैसे रोमियो में लिखा है कि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उंडेला जाता है, परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में उंडेला जाता है. Confess all your sins. हमारे सारे पापों को हम कबूल कर लें. Lord, I'm such a selfish person. हम कहें कि हे प्रभु, मैं कितना एक स्वार्थी व्यक्ति हूँ. I'm such a lover of money. और मैं कितना पैसों से प्रेम करता हूँ. I love my food and sleep and all these things such a lot. और मेरे खाने पीने को, मेरे नींद के समय से मैं कितना प्रेम करता हूँ. Lord, I'm going to put this aside. लेकिन हे प्रभु, अब से इन सारी चीजों को मैं साइड में रखने वाला हूँ. I'm going to repent from it. मैं इन सारी चीजों से मन फिराने वाला हूँ. Lord, fill me with your Holy Spirit. हे प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा से तू मुझे भर दे. Lord, I'll give you an enthusiasm for him. परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा के लिए और उसके लिए एक चाह वो दे देगा. When you love the God and the things of God. और फिर तुम परमेश्वर और परमेश्वर की चीजों के ऊपर तुम्हारा मन लगा रहेगा. God's people. और परमेश्वर के लोगों से तुम्हें दिल में प्रेम आएगा. You love God's work. परमेश्वर के कार्य से तुम्हें प्रेम होगा. You'll be very dear to the Lord. और परमेश्वर के बहुत करीब रहोगे. The greatest thing in this world is to be very walk close to God. और सबसे महान चीज इस संसार में यह है कि परमेश्वर के साथ साथ करीब हम चलते रहें. Each one of us can walk very close to the Lord. और हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के बहुत करीब रहते हुए हम चल सकते हैं. All depends upon you. ये सारा बात जो है तुम पर निर्भर करता है. And me. और मुझ पर. Don't blame your father or mother or a church or anything else. और तुम्हारे माता पिता या कलीसिया या किसी और अन्य चीज पे तुम दोष मत लगाओ. It all depends upon you. ये सब कुछ तुम पर निर्भर करता है. A.W. Tozer said, "A man is as holy as he wants to be." जैसे A.W. Tozer ने कहा कि एक व्यक्ति जितना चाहता है उतना वो पवित्र बन सकता है. You can be close to Lord. आप परमेश्वर के करीब हो सकते हो. Sometimes we give all excuses about ourselves. कई बार हमारे खुद को रखते हुए हम बहुत बहाना बनाते हैं. One of my aunts once when I was getting married. और मेरी जो एक आंट थी जब मेरी शादी हो रही थी तब. I didn't like her very much. मुझे वो आंटी पसंद नहीं थी. Because she had a very inquisitive type of nature. क्योंकि वो हर चीज़ में नोकझोंक करती थी. When we used to go to the house or something, she used to ask all sorts of questions. और जब कभी भी हम किसी के घर पे जाते तो हर तरह की वो प्रश्न पूछती थी. So one day I met her. एक दिन मैं उनसे मिला. So she asked, "Why are you not coming to our house?" तो वो उन्होंने पूछा कि तुम मेरे घर पे क्यों नहीं आते हो? And I said, so far, you know, you're staying at Ghatkopar and I'm staying this side and you know, so then I try to say something like that. तो मैंने ऐसे एक जवाब देने की कोशिश की कि तुम कितने दूर हो और तुम घाटकोपर में हूँ, मैं उस तरफ हूँ, तो बहुत दूर हो जाता है. But she put me straight. लेकिन उसने सीधे सीधे मुझसे कहा. She said, where there's a will, there's a way. जहाँ पर एक चाह है, वहाँ पर राह है. She stopped all my excuses right on track. और शुरू में ही उन्होंने सारे मेरे बहाने को बंद कर दिया. And it was very true. और ये सच बात है. I had no will to go to a house at all. Very little will. कभी भी उनके घर में जाने के लिए कभी चाह नहीं थी. I had to confess it. तो फिर मुझे कबूल करना पड़ा. To myself, yes, that is the real truth. और ये सच्ची बात है. Say, dear Lord, give me a willing in my heart to seek you and love you with all my heart. और हे प्रभु, तू मुझे मेरे दिल में एक चाह है कि तुझसे प्रेम करूं और तेरी सेवकाई करूं. Lord, if I have no other love for you, Lord, help me love you more than anybody else in this world. और यदि मेरे दिल में ऐसा एक प्रेम नहीं है तो प्रभु, तू तेरे प्रेम को मेरे दिल में भर दे कि तेरे सिवाय और किसी को अधिक मैं प्रेम ना करूं. Doesn't matter if I have to say no to my mother, father, brother, sister, wife or all the thing my friends, Lord, I want to love you more than anybody else. और फिर मुझे इसके लिए शायद किसी लोगों को, मेरे माता पिता, पत्नी और किसी अन्य लोगों को, सारी चीजों को मैं ना कहना पड़ा तो भी मैं ना कहने के लिए तैयार हूँ. The Lord will be very close to us. परमेश्वर हमारे बहुत करीब होगा. I'll be living in the presence of God. और हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम जीते रहेंगे. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो. Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे.
Dear Heavenly Father, we pray that will fill us with the Holy Spirit. और स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते कि अपने पवित्र आत्मा से तुम हमें भर दो. We know we are so surrounded with so many temptations. हम जानते कि हमारे आसपास में कितनी लुभाने वाली बातें हैं. Within ourselves to love ourselves. और हमारे भीतर भी हम खुद से हम प्रेम करते हैं. The desire for material things. और संसार की चीजों के पीछे हम भागते हैं. And the desire for pleasures of this world. और संसार के सारे जो ऐशो आराम और मनोरंजन के पीछे भागते हैं. But dear Lord, we want to keep you first in our lives. लेकिन हे प्रभु, हम आपको हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान देना चाहते हैं. We want you to be our delight. और हम चाहते हैं कि तुझ में हम मग्न रहें. One day we have to stand before you, Lord Jesus. एक दिन यीशु मसीह आपके सामने हमें खड़े रहना है. Help us, Lord, to not have regrets. और मदद कर कि उस दिन हम शर्मिंदा ना हों. Please strengthen us, Lord. और हमें तू सामर्थ्य दे दे प्रभु. Fill us with the Holy Spirit right now. अपनी पवित्र आत्मा से अभी तू हमें भर दे. When you show us, Lord, ring the wrong, help us to confess it, forsake it, Lord. और जब कभी भी तू हमें सारी गलतियों का एहसास दिलाता है, पाप का एहसास दिलाता है, तो मदद कर कि हम उसको झट से कबूल कर ले और त्याग दें. And help us, Lord, to endure all things with the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सारी बातों को सहने के लिए तू हमें मदद कर. And be ready to see you face to face. और फिर तुझे तेरे आमने सामने खड़े रहने के लिए हम तैयार होने के लिए मदद कर. Thank you, Lord. धन्यवाद.